क्या हुआ सर कोर्ट में? 26/11 के आतंकी हमले में तहावुर हुसैन राणा ये शख्स इसका साजिश में बड़े पैगारे में हिस्सा था, इसलिए कोर्ट में आज उसके खिलाफ चार्जशीट दर्ज किया गया है। और चार्जशीट दर्ज करने के बाद कोर्ट को हमने दरखास्त कल हम करेंगे कि कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ शुरू हो जाए। आज कार्रवाई शुरू नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई क्योंकि आज थोड़ा सा कोर्ट का रजिस्ट्रेशन और बाकी के जो मिस्टर फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट होने के बाद तहावुर राणा के खिलाफ कल हम कोर्ट में दलील पेश करेंगे। अमेरिका ने तो कह दिया कि तहावुर राणा प्रत्यार्पण के लिए हम तैयार है कैलिफोर्निया कोर्ट पे, लेकिन तहावुर राणा ने वहां पर ऑब्जेक्शन लिया और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। उसका कहना है कि कनाडा का मैं रहवासी हूं और अमेरिका दूसरे देश को मुझे बिना परमिशन ऑफ कनाडा डिपोर्ट नहीं कर सकती। देखिए, तहावुर राणा को अमेरिका FBI ने पकड़ा था, तहावुर राणा को 14 साल की सजा भी हुई है और उस सजा होने के बाद उसको वहाँ से भारत सरकार की NIA ने एक्सट्राडिट करने की मांग की थी और उसके तहत जो कैलिफोर्निया कोर्ट ने उसे एक्सट्राडिट करने के ऑर्डर पास किए उसके खिलाफ उसने अपील किया है, लेकिन अपील अभी इंटीरियम स्टे दिया है, पूरी तरह से उसको स्टे मिला नहीं है। और इसलिए 26/11 के आतंकी हमले का जो तहावुर राणा का रोल था उसके बारे में कोर्ट को दलील पेश की जाए। तहावुर का जो कहना है कनाडा की परमिशन लगेगी उसको इंडिया को मतलब भारत को डिपोर्ट करने के लिए, क्या वो सही है? सामने आएंगी क्या उसके? नहीं, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि तहावुर राणा ने जो संगीन गुनाह अमेरिका के लैंड पे किया था उसके तहत उसे आरोप किया था, भारत सरकार और US गवर्नमेंट में एक्सट्राडिशन ट्रीटी होने के कारण वहाँ से उसको एक्सट्राडिशन था, वो कहाँ का नेशनल है ये कोई सवाल उठ नहीं सकता है। सर, जो चार्जशीट फाइल हुई है उसमें क्या डिटेल नए सबूत आए हैं तहावुर राणा के खिलाफ? वो अभी हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि तहावुर राणा के खिलाफ क्या जो भी है सबूत वो कोर्ट में ही पेश किए जाएंगे। सर, तोड़ के कल जो सुनवाई होगी उसमें आप क्या क्या? तहावुर राणा हा 26/11 दहशतवादी हल्ल्यामधील एक प्रमुख आरोपी असल्यामुळे त्याच्या विरुद्ध मुंबई पोलिसांच्या क्राईम ब्रँचने आरोपपत्र दाखल केलेलं आहे। हे आरोपपत्र कोर्टाने दाखल करून घेतलेलं आहे आणि या आरोपपत्रानुसार तहावुर राणाच्या विरुद्ध जी कायदेशीर कारवाई करायची आहे त्या संदर्भातील सविस्तर युक्त्यात उद्या आम्ही न्यायालयात करू आणि तहावुर राणा याच्या विरुद्ध पुढील कार्यवाही कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात येईल। तहावुर राणाला अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया कोर्टाने भारतात प्रत्यार्पण करायला मंजुरी दिली पण तहावुर राणाने त्याच्यावर स्टे घेतलेला आहे। मी कॅनडाचा मूळ रहिवासी आहे, कॅनडाची परवानगी लागेल डिपोर्ट करण्यासाठी असं त्याचं म्हणणं आहे, काय सांगाल? तहावुर राणाने हा बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न केला परंतु तहावुर राणाला अमेरिकेच्या भूमीत असतानाच त्याने काही गंभीर गुन्हे केले होते त्यामुळे त्याला तिथे दहशतवाद या आरोपाखाली शिक्षा झालेली आहे। आणि तहावुर राणाला शिक्षा झाली असताना त्याला भारत सरकारच्या NIA ने त्याला आपल्या गुन्हेगार प्रत्यार्पण ट्रीटीखाली त्याला आपल्याकडे हस्तांतर करावं म्हणून अशी अमेरिकेच्या कोर्टाला विनंती केली होती, कॅलिफोर्नियाच्या कोर्टाने ती विनंती मान्य करून त्याला भारतात पाठवण्याचा आदेश दिला। अर्थात तहावुर राणाने अतिशय तकलादू कारण घेतलेलं आहे आणि मला खात्री आहे की ते त्याचं कारण तिथे टिकणार नाही। आजकाल कॅनडासोबत भारताचे संबंध अत्यंत तणावलेले आहेत, लेकिन अशा परिस्थितीत कॅनडाचा एक नागरिक येतोय, कसं काय म्हणजे काय कारण आहे तहावुर राणा अचानक जन्माला आला? कोणत्याही गुन्हेगाराला जात धर्म राष्ट्रीयत्व तर नसतं, त्याने फक्त गुन्हा केलं हाच प्रश्न विचारात घेतला जातो। उगीच अशा तऱ्हेचे प्रश्न विचारून देशातील वातावरण खराब करण्याचा प्रसार माध्यमांनी कुठेही प्रयत्न करू नये। प्रसार माध्यमांनी अशा वेळेला जे महत्त्वाचे दहशतवाद्यांचे खटले असतात त्या संदर्भात तारतम्य ठेवून बातमी दिली पाहिजे। ABP माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।